ये जो पंचायती राज की वैकेंसी आई है, जो 3, 4, 5 को एग्ज़ाम होने वाला है, जून को, जुलाई 3, 4, 5 जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उनके सिलेबस है ग्राम पंचायत सिलेबस, आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा हम उसे आज पढ़ेंगे। भारत में पंचायती, मैं जो पढ़ते जाता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में पंचायती राज प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विषय हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को, प्रश्न आपको पंचायती राज, इसके विकास, पंचायत राज के गठित विभिन्न समितियाँ, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता के बारे में जानकारी देती। पंचायती राज हमें क्या जानकारी देती है? 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज के बारे में जानकारी देती है। इस सेट को हल करें और भारत में होने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी पूरा मूल्यांकन कर चले करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी? किसने की थी? बलवंत राय मेहसा समिति, नीचे आंसर है और नीचे व्याख्या देखिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय है, तो 2 स्तरीय भी और 4 स्तरीय भी। 2 स्तरीय अरुणाचल प्रदेश में है, और नहीं 2 स्तरीय और 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में है। 2 स्तरीय ने अशोक मेहता ने समय दिया था, 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता समिति ने, और 4 स्तरीय PVK राव समिति ने। देखिए व्याख्या, त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था अर्थात ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन में होती है। तीन लेवल पे, पहला लेवल ग्राम पंचायत, दूसरा लेवल पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित, कौन सी चुनावी प्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम पंचायत तो होता ही है और जिला परिषद, ब्लॉक समिति होता है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या लिखा है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायत की जो स्थापना है वो सिर्फ हो जाती है ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के समय वो राजस्थान के नागौर में किए थे। मध्य प्रदेश भारत में पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य था, गलत, क्योंकि पहला शुरू करने वाला राजस्थान था, दूसरा आंध्र प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में द्विसदनीय पद्धति को अपनाया गया है, बिल्कुल सभी सही है, तमिलनाडु में 2 स्तरीय है, तो इसका गलत कौन सा है, गलत पूछा था, तो बी नंबर, तो आंसर बी हो गया। देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में स्थापित की गई थी कब, 2 अक्टूबर 1959 को, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को, पूछा जाए आंध्र प्रदेश में कब क्या कहते हैं, 11 अक्टूबर 1959 को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित, अनुच्छेद 40 होगा, नहीं ऐसे अनुच्छेद है ना 243, अनुच्छेद 243 में, और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना, गांव का विकास करना, या राजनीतिक सत्ता को आम लोगों तक विकेंद्रीकरण करना, चुनाव खर्च को कम करना? तो इसका सही जवाब होगा राजनीतिक सत्ता का आम लोगों तक विकेंद्रीकरण करना, तो इसका आंसर 6 नंबर सी सही होगा। 7वां देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में कौन सी अनुसूची जोड़ी, 9वीं 11वीं 12वीं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 12वें में नगर पालिका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अद
सही नहीं होगी। इसकी शक्तियों को केंद्र सरकार तक निर्धारित करना, इनकी शक्तियों को केंद्र सरकार तक निर्धारित करना यह सही नहीं है। स्पष्टीकरण, इसकी शक्तियों का विधानमंडल द्वारा निर्धारित, ग्राम पंचायत जो राज्य सरकार सूची और ये केंद्र सरकार तक नहीं जाती, ये विधानमंडल यानी बिहार से है तो बिहार से इसका जो भी क्रियान्वयन होगा वो सिर्फ नीतीश कुमार तक विधानसभा द्वारा किया जा सकता है। पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है, पढ़ते हैं। पंचायत समिति और जिला समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है, निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, नहीं गलत, 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन पर आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पंचायत के वित्तीय समीक्षा के लिए 6 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, गलत, 5 वर्ष बाद की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव आयोग मार्गदर्शन पर आयोजित किया, राज्य चुनाव आयोग, बिल्कुल सही है। 10 नंबर देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, 1/3 पद आरक्षित है, कितने, 1/3 पद आरक्षित हैं। बिहार में भी 1/3 महिलाओं के पद आरक्षित है। इस वीडियो में बने रहें।